हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइस, आज है 18 जनवरी और अभी हमारे आबकारी फिजिकल चल ही रहे हैं। तो आप लोगों को पता है डेट आ चुकी है रिटर्न एग्जाम की, जिसमें कि बताया गया है कि मार्च में हमारे उसके रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। तो जिन भी लोगों का फिजिकल हो चुका है तो वो लोग अपनी तैयारी पर लग चुके होंगे, और साथ में जिनका फिजिकल होने वाला है वो लोग भी अपना फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी भी कर ही रहे होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जनवरी का जो ये महीना है वो तो चला ही गया है, और फरवरी भी आपका पूरा एक महीना आपके पास रहेगा, और मार्च में तो पता नहीं किस डेट को रिटर्न की डेट आ जाए, कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल आपको पता ही है मेरा फिजिकल हो चुका है, 13 जनवरी को हुआ था और रुद्रपुर में हुआ था, जिससे रिलेटेड मैंने सारे आपको पूरा एक्सपीरियंस बता दिया था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ये सारे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों ने जान लिया होगा। साथ में कुछ लोगों ने कॉमेंट भी करे थे, उसका रिप्लाई करके भी मैंने उन लोगों की क्वेरीज दूर कर दी हैं। तो इन सारी तैयारियों के साथ साथ मैं बीएड कर रही हूँ, और आजकल मेरे बीएड की इंटर्नशिप चल रही है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैं बीएड कहाँ से करती हूँ, तो मैं रामनगर में ही रहती हूँ और रामनगर से ही बीएड करती हूँ। मेरा जो कॉलेज है पीएनजी पीजी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैं बीएड कर रही हूँ। और कुछ लोग बोल रहे थे कि बीएड से रिलेटेड कोई अलग वीडियो बना दो, पर इतना मेरे पास टाइम है नहीं अभी, क्योंकि आपको पता ही है ये आबकारी वाले की भी तैयारी करनी है, साथ में बहुत सारे काम होते हैं, बीएड के फाइल वगैरह होते हैं, तो इतना सारा टाइम नहीं मिल पाता कि हर टॉपिक पे अलग 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 वीडियो बनाई जाए। और आपने देखा होगा मैं मेन चैनल पर भी बहुत कम वीडियो अपलोड करती हूँ, ज़्यादातर करंट अफेयर ही करती हूँ कभी कभी। तो अभी आजकल मेरे चल रहे हैं बीएड की इंटर्नशिप, जो कि हो सकता है फैब के 15 तक कंप्लीट हो जाए, पर अभी ऐसा कुछ क्लियर है नहीं, हो सकता है पूरे फरवरी में भी चले। तो इस हिसाब से जो मुझे अपने आबकारी रिटर्न की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, आपने देखा ही होगा कि मैंने नहीं बनाया व्लॉग, तो इस वजह से मैं ये सोच रही थी कि मुझे कैसे कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि कभी छुट्टी हो जाती है कभी नहीं होती है, तो मेरा टाइम गड़बड़ा जाता है। साथ में शाम को ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, फिर उसके बाद ही सारे काम हो पाते हैं मेरे पढ़ाई से रिलेटेड। तो रोज़ रोज़ रेगुलर व्लॉग बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आज का व्लॉग जो मैंने बनाना स्टार्ट किया है वो इसलिए किया है मॉर्निंग से ही, ताकि मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखा सकूं, क्योंकि मेरा डेली रूटीन चेंज होते रहता है, वो कंडीशन के हिसाब से होता रहता है, सभी का होता होगा ऐसा, क्योंकि अभी इंटर्नशिप चल रही है तो उस हिसाब से मैंने अपने कुछ घंटे हैं पढ़ाई के जो कि फिक्स किए हैं कि मुझे इतना घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, कैसे भी करके निकालने हैं। तो अभी एग्जैक्ट 8 बजे हैं, और मॉर्निंग से अगर मैं आपको बताऊं तो मॉर्निंग से मैं 4 बजे उठ जाती हूं, और ये बिल्कुल सच है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फेंक करिए करके, तो 4 बजे बहुत सारे लोग उठते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको जल्दी उठना चाहिए वैसे तो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो रात में पढ़ते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग कंडीशन होती है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं तो उनकी शिफ्ट अलग होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेम शिफ्ट लगती है तो उन्होंने अपना अलग टाइमिंग कर रखा होगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो दोनों ही टाइम पढ़ती हूँ, खैर, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। दिन में तभी मुझे टाइम मिलता है जब संडे होता है, या फिर स्कूल की छुट्टी होती है, या मुझे कॉलेज नहीं जाना होता है, तो इस हिसाब से। अभी मुझे स्कूल जाना होता है इंटर्नशिप के लिए, तो इस वजह से मैं सुबह और रात में पढ़ती हूँ। तो सुबह मैं 4 बजे से उठ जाती हूँ, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, तो इस तरह से जो 3 घंटे मेरी पढ़ाई के हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 7 बजे से मैं अपने घर के काम करती हूँ, जैसे कि सोमू आया है, मेरी सिस्टर आई थी कल, तो वो यहीं पर रुके हैं अभी शायद 2-3 दिन के लिए, तो ये उनका बेटा है सोमू, उसने स्पीकर का क्या हाल कर रहा है, खैर छोड़ो, हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो, क्या तो मैं पटवारी बनूंगा, पटवारी बनूंगा, बोलो क्या पटवारी बनोगे, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ये भी बनेंगे, हाँ ये भी बनेंगे, ये तो हैं पटवारी हैं, नहीं है, है? अच्छा ऐसा ही बनेंगे वो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मॉर्निंग में 4 से 7 तक 3 घंटे कंप्लीट करने के बाद 7 बजे से मैं अपने घर के काम पे लग जाती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा, और मम्मी के साथ अगर थोड़ी हेल्प करानी हो, वैसे तो सुबह का ब्रेकफास्ट या दिन का भी रात का भी सब तीनों टाइम का आजकल मम्मी बनाती है खाना, तो
इस वजह से तो अभी मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, और फिर उसके बाद मुझे रेडी होना होता है अपने स्कूल के लिए। लेकिन उससे पहले, रेडी होने से पहले मैं फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरा जो स्कूल में पीरियड है वो इंटरवल के बाद वाला है, तो इंटरवल से पहले मैं जाती नहीं हूँ स्कूल, इंटरवल के बाद ही पहुँचती हूँ। और मेरा जो क्लास है 7th क्लास में लास्ट पीरियड है, मतलब कि 8th पीरियड है, फिर उसके बाद तो छुट्टी हो जाती है। तो आपको मैं ऐसे बोल बोल के नहीं बताऊंगी, आज का जो पूरा व्लॉग है वो डेली रूटीन का है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या चल रहा है। अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है, 8 बज रहे हैं, तो मतलब जो जितने भी झाड़ू पोछा घर के काम होते हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और मेरी बहन आ रही है, तो वो अभी पकौड़ी बना रही है किचन में, और मैं चाय रख के आई थी, अपनी चाय देखने जाती हूँ मैं। चलो सोमू, मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मेरी सिस्टर बना रही है पालक की पकौड़ी, और साथ में आलू की पकौड़ी और गोभी की पकौड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो देखो, सुबह सुबह चाय के साथ पकौड़े खाने के लिए मिलेंगे ठंड के मौसम में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ पापा, मम्मी खा रहे हैं तो तू। और ये मैं चाय रख के गई थी, इसमें मैंने दूध नहीं डाला था, पिंकी ने बना दिया। तो दोस्तों, यह है मेरी सिस्टर जिसने बना रखी है मेरे लिए पालक की पकौड़ी। अब मैं ये खाती हूँ और चाय पीती हूँ। इतनी सी बची है बस। नहीं सोमू, मेरी है। तो दोस्तों, अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं फिर से पढ़ने आ गई हूँ, क्योंकि स्कूल जाने से पहले मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है, तो उसमें मैं पढ़ लेती हूँ। तो अभी मॉर्निंग से मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स, और मुझे उसी को अभी कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो पूरा हुआ नहीं है। तो पहले मैं उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ, 1 घंटा मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद नहाना धोना वगैरह करके तैयार होना है, स्कूल जाना है, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है, 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों, अभी 11:20 हो रहा है और मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अभी मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ और जाती हूँ। अभी मेरा आई कार्ड मिल नहीं रहा, पर मैं बिना आई कार्ड के जा रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं दे रहा था। बाय शोमू। उसको पता है ना तू जाने वाली है। बाय 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 बाय। दोस्तों, अभी शाम हो चुकी है और मैं घर आ गई हूँ, ट्यूशन मैंने पढ़ा लिया है। तो अभी मैंने चाय वाय पी ली थी, आज थोड़ा लेट मैं घर पहुंची थी, इस वजह से मैंने अभी चेंज भी नहीं किया और ऐसे ही ट्यूशन पढ़ा लिया। तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट, और अब खाना तो मैं क्या ही खाऊंगी, क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब लंच का टाइम रहा नहीं, अब मैं सीधे डिनर ही कर लूंगी बाद में। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करती हूँ अपनी। तो दोस्तों, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैंने चेंज कर लिया है। तो सुबह जब मैंने पढ़ाई की थी, तब मैंने GK में इकोनॉमी पढ़ी थी, और अभी मैं थोड़ा कुछ ईजी सा पढ़ने वाली हूँ हिंदी, क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ पर है और वो भी हिंदी पढ़ेगी, तो हम लोग साथ में ही पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के फिर हमारा थोड़ा मज़ेदार वाली पढ़ाई हो जाएगी। और इसने पहले से ही रात के डिनर के लिए सब्जी बना के रखी है, फिर उसके बाद रोटी भी यही बना देगी। बड़ी बहन होने का यही फायदा है कि जब भी वो आए ससुराल से, तो उसको सारे काम दे दो घर के और खुद पढ़ाई पे लग जाओ। जिसके पास भी बड़ी बहन है उसके मजे हैं। तो जब भी मेरी सिस्टर्स आती हैं, मेरी बड़ी वाली बहन भी आती है और ये भी आती है, तब ये लोग काम पे लग जाते हैं। वैसे तो मम्मी भी मुझसे कुछ काम नहीं करवाती है, क्योंकि मम्मी को पता है मेरे एग्जाम आने वाले हैं, ऊपर से मेरे बीएड का तो सारा काम रहता है कि मम्मी अकेले ही काम कर रही होती है। लेकिन जब ये लोग आते हैं ना, तो मुझे इस बात की खुशी रहती है कि ये लोग मम्मी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो मैं खुश होकर पढ़ती हूँ, वरना फिर मुझे टेंशन रहती है यार, मम्मी अकेले अकेले काम कर रही है सारा। तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी। तो ये है नोट्स चोर, और नोट्स चोर का बच्चा वहां पर है, वो कीबोर्ड चोर है, और ये अभी मेरे नोट्स चुरा रही है। देखो, मेरे बैग से निकाल के इसने आज सुबह के बनाए हुए नोट्स को हथिया लिया है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी पढ़ना, ठीक छो। तो दोस्तों, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मैंने अपनी बुक नोटबुक सब कुछ बंद करके रख दी है। मैं और मेरी सिस्टर साथ में पढ़ रहे थे, और साथ में पढ़ने से क्या होता है, टाइम का पता भी नहीं चलता और हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो अभी मैंने सब कुछ बंद कर लिया है, अब इसके बाद मैं अपना व्लॉग एडिट कर लूँगी, और जो भी थंबनेल वगैरह बनाने होंगे वो सब बना लूँगी। ये मेरी हिंदी की बुक है, और परीक्षा वाणी और कुछ नोट्स मैंने अपने पास रखे थे जिससे हम पढ़ रहे थे। तो अब मैं उठूँगी सुबह 4 बजे, और अभी मैं अलार्म लगा लूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ अब मैं 4 बजे।
तो देखो इस तरह से सुबह और शाम को 4 या 5 घंटे पढ़ पढ़ के कभी 7 घंटे हो जाते हैं, कभी 8, कभी कभी 9 हो जाते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे। तो अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, करेक्ट 4 बजे का अलार्म लगाया था, 4:01 पे मैं उठ चुकी हूँ। तो अभी मैंने लाइट भी नहीं जलाई है रूम की, क्योंकि मेरे बगल में पिंकू और सोमू सोए हैं। तो अब मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ूंगी। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ परीक्षावाणी, और ये मैं मम्मी के पास आके पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सोमू को डिस्टर्ब हो जाता, वो उठ जाता सुबह सुबह ही। तो अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और ये व्लॉग मेरा डेली रूटीन का व्लॉग था, इसी तरह से मेरा डेली रूटीन चलता है, आपको पता चल गया है। सो आई होप आप लोगों को मेरा टाइम टेबल पसंद आया होगा।